अनदर ब्लॉग, कैसे हैं आप? आज का ब्लॉग मैं ना यहाँ से अपना स्टार्ट करूँगी क्योंकि मैं सुबह से बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, करके काम वगैरह किए थे क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी, तो दो दिन से मेरे से सफाई भी नहीं हुई थी। तो आज भी मैंने सारा घर क्लीन किया है, तो अब मैं बना रही हूँ खाना। मेरे हस्बैंड के एक्चुअली आज फ्रेंड आ रहे हैं, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ ग्रीन चाट बिरयानी, आलू कबाब और साथ में क्या, हाँ, आलू और फुलकियों का रायता बना रही हूँ। तो ये मैंने जल्दी से फ्रूट कट कर लिया, अब मैं इसमें कॉकटेल मिक्स करूँगी। लेकिन ये मैं ना जब वो आने वाले होंगे ना, उनसे आने से तकरीबन 30 मिनट पहले रेडी करूँगी, तो उतनी देर मैं बिरयानी रेडी कर लेती हूँ क्योंकि बिरयानी का कोरमा तो ऑलमोस्ट डन हो गया हुआ है, बस चावल भी बॉयल हो रहे हैं। तो उसके बाद फिर मैं इनकी तह वगैरह लगाऊंगी, आलू और फुलकियों का रायता बना लूँगी और क्रीम चाट फिर मैं लास्ट में मिक्स करूँगी क्योंकि वो फिर क्रीम ब्लैक हो जाती है ना। तो ये देखिए मेरा कितना प्यारा ग्रेवी वाला मसाला हो गया, और ये मैंने आलू बॉयल करने के लिए रखे हुए हैं क्योंकि आलू और फुलकियाँ और प्याज वगैरह डाल के ना तो मैं उसका रायता बनाऊँगी, बहुत मज़ा आता है बिरयानी के साथ आलू वाले रायते का। तो ये जी आलू भी हमारे ढन हो गए हैं और बिरयानी का भी तकरीबन कोरमा ढन हो गया। मैं बार बार इसलिए देख रही हूँ कि वो नीचे ना लग जाए। चलिए जी, अब हमारी बिरयानी तो ऑलमोस्ट डन होने वाली है, चावल भी बन गए हुए हैं और अब बस तह लगा रहे हैं। पूरा आ गया तकरीबन सारा, है ना? चलो सही हो गया, बस आलू का रायता भी बन गया। तो हमारी क्रीम चाट बन गई है, थोड़ी सी रह गई है बस क्रीम ऐड करनी। आज प्रॉपर डिनर होगा हमारा। यस, गेस्ट भी हमारे खुश हो जाएगी। गेस्ट तो बहाना है, मुझे तो हमारी लगी धनिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने से चावल हमने इतने बड़े पतीले में क्यों बनाए हैं। नहीं भी सोचे तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि जो छोटा था उसमें थोड़े चावल पकने थे और इसमें बहुत ज़्यादा पकते हैं, तो फिर हमने कहा चलो इसी में बना लेते हैं, इजीली मिक्स भी हो जाएंगे। और ये मेरी फुलकियाँ भी बॉयल हो गई हैं, ठीक है, फूल गई हैं सारी। तो अब जी हम इसके ऊपर धनिया ऐड करने लगे हैं, और खीरा और टमाटर मैंने काट लिया, अब इसमें मैं आलू ऐड करने लगी हूँ। और जी क्या बात है, हैं? नींद आई है? क्या खाना है? मुझे बताओ तो सही। मुझे नींद आई, अच्छा ठीक है, नहीं बनाती। मूसा को शर्म आ रही है, मूसा कहता है आज मेरी वीडियो ना बनाओ। मैं रायता बना रही हूँ, आप पीछे हो जाओ, मैं आपको भी फिर चावल खिलाती हूँ। क्या खाना है? नींद आई है सना, वो मुझे पकड़ाना फुलकियाँ। इसमें चलो मैं हूँ करती हूँ, ये जी सब कुछ हम लोगों ने ऐड कर दिया, फुलकियाँ भी मैंने इसमें डाल दी हैं। तो बस इन्हें अब दही चटनी है और थोड़ी सी काली मिर्च नमक डाल के मिक्स करती हूँ। तो ये हमारी बिरयानी रेडी हो गई है, और देखें कितना प्यारा कलर आया, मज़ेदार बिरयानी, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। मूसा को तो बहुत पसंद है, मेरे बेटे ने आज इतनी खानी है ना। ये जी दही भी ऐड हो गया है सारा, मैंने इसमें चटनी डाली थी, धनिया और पुदीने की चटनी बनाई हुई थी, वो मैंने दही में मिक्स करके नमक काली मिर्च डाली और चुटकी सा मैंने चाट मसाला डाला, डाल के अब इसमें मिक्स कर देना है और बहुत ही मज़े का रायता बन जाता है क्योंकि बिरयानी इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है आज हमने रखी बच्चों के लिए, तो इसलिए हमने रायते में थोड़ी सी नमक और काली मिर्च ऐड कर ली कि अगर किसी ने स्पाइसी करना है तो वो रायते के साथ स्पाइसी कर लेगा। ये जी रायता भी हमारा रेडी हो गया, इसे एक साइड पे कर देते हैं, जो जो चीज़ रेडी होगी वो मैं एक साइड पे करती जा रही हूँ ताकि मुझे पता चले। अभी उनके आने में अभी काफ़ी टाइम है, तो
उतनी देर तक हम थोड़ा सा रेस्ट कर लें और फेस वॉश कर लें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैं भूल ही गई, हमारा आज का सूप। ये मैंने सूप बनाया, सबसे पहले सूप सर्व करेंगे उसके बाद खाना। चलें जी, अब क्रीम मिक्स करने का टाइम आ गया क्योंकि गेस्ट तो बस पहुंचने वाले हैं, तो मैंने कहा जल्दी से क्रीम मिक्स कर दूं। फ्रूट तो ऑलरेडी बहुत ठंडा हो गया हुआ है, क्रीम भी ठंडी है, फ्रिज से निकाली है। तो ये मैंने 3 स्पून मैंने क्रीम ऐड की है और 3 से 4 स्पून मैंने ऐड कर दी है। अब मुझे लग रहा है कि जैसे ज़्यादा हो जानी है, लेकिन कोई नहीं, फ्रूट भी ज़्यादा है। तो 1 चम्मच मैंने इसमें मायोनीज़ ऐड की है। क्रीम और मायोनीज़ को थोड़ा सा विस्क कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी ठंडी हो गई है। इसे विस्क करने के बाद इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी। ये जी 2 टेबलस्पून हमने चीनी भी ऐड कर दी है इसमें। ये जी काली मिर्च ऐड कर दी है मैंने और साथ में मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। फिर एक दफ़ा फिर इसे अच्छे से विस्क करेंगे और उसके बाद फिर फ्रूट ऐड करेंगे। मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसमें ऐड करके इसलिए मिक्स कर रही हूँ कि ज़्यादा ना हो जाए, कम हो तो उसका तो हल होता है कि बंदा ज़्यादा कर लेता है, लेकिन जब ज़्यादा हो जाए तो फिर उसका कोई हल नहीं हो सकता। ये जी हम लोगों ने हाफ कॉकटेल भी ऐड कर लिया है, बड़े वाला था इसलिए मैंने इसमें हाफ ही ऐड किया क्योंकि फ्रूट पहले ही बहुत ज़्यादा हो गया। फिर उसके बाद फिर मैंने अब काली मिर्च थोड़ी सी डाली है, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है ताकि वो फ्रूट में भी उसका फ्लेवर सारा आ जाए। अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है क्योंकि मैंने अभी इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड करने हैं। मैंने बादाम सोक करके रखे हुए हैं, वो लास्ट पर जब डिश आउट करूँगी ना फिर मैं उस पर ऐड करूँगी। बिरयानी और कबाब तो मुँह ले गई और कबाब पर मुझे उन्होंने वीडियो ही नहीं बनाने दी। तो ये मेरी चार रायता और ट्रे देख ली, अब ये भी जा रही है, थक गए आज हम लोग। चलें जी अब हम भी खाना खा लें, बहुत भूख लगी है। चलो सर ना आप डालो अपने लिए। ये है जी मेरी प्लेट, बहुत मज़े की लग रही है ना, आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। आ रहा है तो बना लो फिर, मेरे हल की वेज दो पे। मैं कोई नहीं देनी किसी ने। खाना शाना हो गया, गेस्ट भी हमारे चले गए हैं बाहर वॉक करने के लिए और मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए हैं। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आज हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी तो अब बहुत थक गए हुए हैं। चलिए जी अब हम मैं सोने जा रही हूँ, मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और बहुत बहुत शुक्रिया उनका जिन्होंने मेरे लिए दुआ की, तो अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रखे, टेक केयर।